हेलो एवरीवन, आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ आज मेरे यहाँ का दोपहर का लंच। आज मैंने बनाया था पनीर पालक, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। इस तरह से बनाएंगे तो एकदम इसका पालक का जो कलर है ना वो डार्क नहीं होगा, बहुत ही अच्छा कलर आएगा, एकदम हल्का ग्रीन आएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इधर देखिए, मैंने पालक को अच्छे से धो के बॉयल करने के रख दिया है। एक बॉयल आ गया था, गैस को बंद कर दी हूँ। फिर इसको ठंडे पानी में निकाल लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्का सा ही पकाना है, बस एक उबाल तक ही पकाना है। फिर अच्छे से धो ली थी मैं पालक को पानी, ठंडे पानी में। फिर इसको हल्का से हाथ से निचोड़ ले रही थी ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए करके। देखिए इस तरह से अच्छे से निचोड़ के सभी को डाल दी थी। फिर एक जितना पनीर रखा है ना उसमें से छोटा सा हिस्सा ले रही हूँ मैं, ये घर का पनीर है, इसको छोटा छोटा करके डाल दे रही हूँ थोड़ा सा मैं पालक में। और इसको बारीक सा पीस तैयार कर ली थी, देखिए अच्छे से तैयार कर ली थी, पीस ली थी। इसको साइड में रख दी हूँ, गैस ऑन कर दी थी, गैस में रखी थी पैन। और इधर मैं दो प्याज ली थी, छील ली थी, और 8 से 7 कलियाँ लहसुन की ली थी, बड़ी बड़ी कलियाँ थी तो ज़्यादा नहीं ली हूँ मैं। प्याज को बारीक कट कर ली थी, आधे इंच अदरक का ली थी मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं ली थी, छोटा सा ही ली थी। इसमें ना अदरक का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और देखिए बड़े बड़े पीस में ही कट कर दे रही हूँ मैं लहसुन को। आप चाहे तो इसमें क्रश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कट कर रही हूँ। फिर दो हरी मिर्च को मैं बड़े बड़े पीस में कट कर ले रही हूँ, आप चाहे तो इसको छोटा भी कट कर सकते हैं। फिर पैन गर्म हो गया था, तेल डाल दी थी, फिर इसमें डाल दी थी लहसुन, लहसुन और अदरक को साथ में डाली थी। फिर डाल दी थी प्याज को, सभी प्याज को डाल दी थी मैं, और यह हरी मिर्च को भी डाल दी थी। फिर इसको 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम भूनना है, फिर लो फ्लेम पे कर देना है। इधर मैं टमाटर को कट कर ले रही थी, जब तब तक कि प्याज और हरी मिर्च लहसुन ये भून गया था, फिर टमाटर को भी डाल दी थी। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर डाल दी थी मैं नमक, थोड़ी सी हल्दी, ज़्यादा नहीं डालना है, हल्का मसाला में बन जाएगा, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी सब्जी मसाला डाल दी थी। इसमें धनिया पाउडर नहीं डाल रही हूँ मैं, बस सिंपल मसाला बना रही हूँ। अच्छे से मसाला भुन जाएगा ना इस तरह से, देखिए टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया था। तो डाल देना है ये पेस्ट को, पालक और पनीर का जो पेस्ट बनाए थे ना पीस के तैयार किए थे, इसी को डाल देना है। फिर अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। देखिए इससे कलर कितना अच्छा आता है ना, पनीर का जो टुकड़ा डाले थे ना उससे बहुत अच्छा कलर आता है, मतलब कि पालक में। फिर जार में थोड़ा सा पानी डाल दी थी मैं, फिर उसमें उसको भी डाल दी थी, जार में नहीं तो नहीं निकल पाता है ना, इसीलिए थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से डाल दी थी। फिर फ्लेम को हाई रखी थी, फिर ढक्कन लगा दी थी, 2 से 3 मिनट में हाई रखना है। फिर इधर मैं पनीर कट कर ले रही हूँ, हाई फ्लेम पे रखी हूँ इसीलिए ढक्कन लगा दी हूँ। फिर इधर देखिए पनीर मैं घर का है, ये घर में बनाई थी, घर का ही पनीर है, इसको इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर रही हूँ मैं। अगर आपके पास पनीर ना हो ना तो भी आप बिना पनीर के भी ऐसे बना सकते हैं। अगर आप पनीर ना हो तो थोड़ा सा जब वो पीसेंगे ना पालक को तो इसमें आप काजू या मूंगफली डाल दीजिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर सभी पनीर को कट कर ली थी, और ये देखिए पालक भी अच्छे से पक गया था, अच्छे से तेल छोड़ दिया था ऊपर से, तो डाल दी थी पनीर को, अच्छे से मिक्स कर दे रही थी। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढक्कन लगा दी थी, फिर लो फ्लेम पे रख दी थी। इधर आटा गूंथ ले रही हूँ मैं, पराठा बनाऊंगी इसके साथ, पराठा या रोटी ही अच्छा लगता है, चावल में नहीं बना रही हूँ आज, रोटी ही पराठा ही बना रही हूँ। आटा गूंथ हो गई थी, गूंथ ली थी। फिर इधर देखिए वो सब्जी बन के तैयार हो गई थी, पालक पनीर एकदम टेस्ट दिख रहा है ना, कितना अच्छे से कलर आया है, कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है, पनीर और पालक बन के तैयार हो गए। इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी लगेगा आपको, ना ही ज़्यादा कोई मसाले की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनती है, ना ही आपको कोई एक्स्ट्रा मसाले की ज़रूरत, ना ही आपको पेस्ट तैयार करने की ज़रूरत, बस पालक को उबालो, पीसो और बना के तैयार कर लो। इस तरह से बनाएंगे ना बहुत ही टेस्टी लगती है। पालक को बंद कर दी थी, सब्जी बन गई थी, तो गैस बंद करके तवा रख दी थी मैं। इधर पराठा सेक रही हूँ मैं, चौकोन वाले पराठा बना रही हूँ, सिंपल से बना रही हूँ, एकदम झटपट से बन जाएगा। देखिए पराठा पलट के अच्छे से तेल या घी लगा सकते हैं, मैं तेल ही लगा रही हूँ, उलट पलट करके अच्छे से क्रिस्पी होने तक पराठा को सेक ली थी। और इधर देखिए हस्बैंड के लिए थाली लगा रही हूँ, सब्जी निकाल ली थी, पालक पनीर और पराठा सेक दी थी। इस तरह से मेरे यहाँ का दोपहर का खाना बना, बहुत ही टेस्टी बना था। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि अगला रेसिपी क्या लेके आऊँ। धन्यवाद।